तो क्या हाल है दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक यूनिक और इंट्रिगिंग एनिमे के बारे में जिसका नाम है माशले मैजिक और मसल्स। यह एनिमे आपको एक ऐसे समाज में ले जाता है जहां मैजिक और मसल्स का अनोखा मेल है। तो बिना किसी देरी के चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट जो की है आपसे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने की। तो चलिए अब आते हैं माशले के यूनिवर्स एक्सप्लेनेशन पे। तो माशले मैजिक एंड मसल्स एक जैपनीज मांगा और एनिमे सीरीज है जो हाजिमे क्योमोटो ने लिखी है। इस स्टोरी को एक ऐसे यूनिवर्स में सेट किया है जहां एक व्यक्ति के पास कुछ ना कुछ मैजिकल पावर्स होती ही है। यहां मैजिक इतना कॉमन है कि अगर आपके पास मैजिक नहीं है तो आप समाज से बाहर निकाल दिए जाते हो। अब आप एक एग्जांपल ले सकते हो हमारी दुनिया का। अगर अपनी दुनिया में किसी के पास मैजिक हो तो वो कितना ही रेयर हो सकता है, वैसे ही इस दुनिया में ऐसे इंसान जिनके पास मैजिक नहीं है वो उतने ही रेयर हैं और एक तरह से आउटकास्ट बन जाते हैं। अब यहीं पे आता है एक ट्विस्ट। हमारा मेन कैरेक्टर मैश बर्नी डेड जो कि मैजिक के बिना ही रहता है और मैजिक के बिना ही पैदा हुआ है, लेकिन इसकी जगह उसके पास बहुत ही स्ट्रॉन्ग फिजिकल स्ट्रेंथ है, उसके पास मसल्स हैं। अब आप इसको यह समझ सकते हो कि हैरी पॉटर की दुनिया में वन पंच मैन आ गया है। यार चलो वन पंच मैन तो नहीं बोल सकते, वो बंदा तो किसी और ही लेवल पे है। अब मैच को भी आप ऐसा ही रख सकते हो कि एक तरफ हैरी पॉटर है और दूसरी तरफ अपना सायतामा उधर लैंड कर चुका है, तो स्टोरी कैसी हो सकती है। तो उसी तरह मैच के पास भी मसल्स हैं और वो अपने मसल्स का यूज करके हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। अब आप यह सोच रहे होंगे कि मैच की लाइफ कितनी ही मुश्किल होगी। यार तो सोचो, एक दुनिया जहाँ हर किसी के पास मैजिक है और मैच के पास नहीं है, मैजिक लेस होकर एक ऐसी सोसाइटी में रहना जहाँ मैजिक ही सब कुछ है, कैसा होगा। लेकिन मैश इस चैलेंज को भी टैकल कर लेता है अपने यूनिक ही स्टाइल में, और वो यूनिक स्टाइल कैसे होता है आगे बात करेंगे। लेकिन इससे पहले मैश एक बहुत ही बड़ा कदम उठाता है। मैश एक दिन मैजिक स्ट्राइक टीम में शामिल होने का फैसला करता है और वो बंदा वहाँ पे बस कुछ खाने के लिए लेने जाता है और इसी में उसकी लग जाती है, क्योंकि वहाँ की पुलिस को यह बंदा स्पॉट हो जाता है कि इसके पास मैजिक नहीं है और जिसके पास मैजिक नहीं है उसे इस सोसाइटी में रहने का कोई हक नहीं है। और यहीं से हमारी कहानी शुरू होती है जहाँ मैजिक और मसल्स का अमेजिंग मिक्स सामने आता है। अब इसको मैजिक एकेडमी में जाना है जहाँ पर हर स्टूडेंट मैजिक स्कूल में जाने का मौका मिलता है, जहाँ उन्हें अलग अलग लेवल्स पर टेस्ट किया जाता है। यह सोसाइटी पूरी तरह से मैजिक पर निर्भर करती है और मैश यहाँ अपने मसल से सबको सरप्राइज करता है। अब अगर बात करें इस सीरीज की तो ये क्या अलग फ्लेवर हमें देती है। यह सीरीज एक रिफ्रेशिंग चेंज है, जैसे कि मैजिकल मांगा हमने देखे होंगे जहाँ यूजली मैजिक ही सब कुछ होता है, लेकिन यहाँ पर मैश अपने रॉ स्ट्रेंथ और क्लेवरनेस से मैजिक प्रॉब्लम को सॉल्व करता है जो उसे एक यूनिक ट्विस्ट देता है। माशले मैजिक और मसल्स अब तक मल्टीपल वॉल्यूम्स रिलीज हो चुके हैं मांगा में और ये काफी बढ़िया है। इसकी पॉपुलैरिटी डे बाय डे एनिमे में भी बढ़ती जा रही है। इसका रीजन है कि यह एक बहुत ही ट्रेडिशनल मैजिकल वर्ल्ड के कंसेप्ट को फ्लिप कर देता है। इसमें मेन कैरेक्टर मैजिक की जगह मसल्स का और फिजिकल स्ट्रेंथ का यूज करता है और अपने चैलेंजेस को फेस करता है। यहाँ पर हम मैजिकल मांगा या एनिमे में देखते हैं कि मैजिक ही सब कुछ होता है, लेकिन यहाँ पे तो यार स्टोरी ही अलग है। तो आप सोच सकते हो कि कैसे प्रॉब्लम्स होंगे और कैसे सॉल्यूशन होंगे। तो अगर आपको ये यूनिक और एंटरटेनिंग एक्शन पैक्ड मांगा सीरीज या एनिमे की तलाश है तो माशले मैजिक एंड मसल्स आप ही के लिए है, जो कि एक परफेक्ट चॉइस हो सकता है। आपको इसकी स्टोरी लाइन, कैरेक्टर्स और ह्यूमर डेफिनेटली पसंद आएगा। और एक इम्पॉर्टेंट बात, जैसे माशले मैजिक एंड मसल्स में माश के पास मसल्स है पर मैजिक नहीं है, वैसे ही वहाँ उस दुनिया में किसी के पास भी यह पावर नहीं है कि वो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सके। वो पावर सिर्फ आपके पास है यार, तो प्लीज कर देना। जानता हूँ बहुत ही बेकार सा टिक था, लेकिन क्या करूँ, चैनल बहुत ही इनिशियल स्टेज में है, सब्सक्राइबर्स चाहिए यार, लाइक चाहिए। तो प्लीज इतनी सी रिक्वेस्ट, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना। अभी के लिए अलविदा, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस।